टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती महाराज आज मेरठ की A-161 डिफेंस कॉलोनी में पधारे। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म पर की जा रही टिप्पणी पर कहा कि हिंदू अपने स्वभाव से सहिष्णु हैं। अगर हिंदुओं पर गलत तरीके से टिप्पणी की जाती है, हिंदुओं को बुरा तो लगता है लेकिन वो सह लेते हैं, और हिंदुओं की इसी सहनशीलता के कारण टिप्पणी करने वालों को और ज़्यादा टिप्पणी करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। वहीं अगर हिंदू धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म पर गलत टिप्पणी कर दें तो वो लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने हिंदुओं से अपील की है कि सहनशीलता की सीमा पार होने पर वो भी जवाब दें। देखिए जगतगुरु शंकराचार्य ने फर्स्ट बाइट टीवी से क्या कहा। फिल्मों के माध्यम से या किसी और माध्यम से हिंदू धर्म पे मतलब टिप्पणी की जाती है या देखिए हिंदू जो है सहिष्णु हैं स्वभाव से, तो जब उनके ऊपर कोई ऐसी कमेंट करता है या गलत ढंग से उनको चित्रित करता है तो वो बेचारे बुरा तो उनको लगता है लेकिन वो सह जाते हैं, और सह जाने के कारण जो चित्रण करने वाले लोग हैं उनका मन बढ़ जाता है कि साहब हमें तो कोई बोलने वाला नहीं है, रोकने वाला है, टोकने वाला नहीं है। यही चीज़ दूसरों के साथ थोड़ा सा भी करते हैं तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने सनातन धर्मी हिंदुओं से भी कहना चाहते हैं, और ये बात समाज से आ भी रही है कि आखिर हमारी भी तो कोई सीमा है सहनशीलता की, तो जब हमारी सहनशीलता की सीमा से आगे आप बढ़ जाओगे तो हमको भी बोलना ही पड़ेगा। तो बस इसी दृष्टि से बोला जा रहा है। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? मतलब देखिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि निगरानी की एक व्यवस्था बने, तंत्र बने, निगरानी रखें हम कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, कितने अंश में कर रहा है, कितना उसके अंदर मासूमियत है, गलती से हो जा रहा है, और कितना वो जानबूझ करके दुर्भावना से कर रहा है। तो पहले इस बात की हम लोग पहचान करें, और पहचान करने के बाद तो उपचार हो ही जाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है डायग्नोस्टिक, पहले निदान करना, निदान होने के बाद दवाई हो जाती है। सड़कों के ऊपर दरारें पड़ जा रही हैं और इसी तरह से लोगों को अपना घर छोड़ करके किसी रिश्तेदार के यहाँ अथवा सड़क के ऊपर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में इस समय की जो तात्कालिक आवश्यकता है वो ये है कि वहाँ पर अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के दल भेजे जाएँ ताकि वो अध्ययन करें कि आखिर ये किस कारण से हो रहा है और कितना जाएगा, क्या पूरे शहर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाएगा, क्या पूरा शहर ही नष्ट होने के कगार पर है, क्या कुछ स्थानों पर ही इसका प्रभाव रह करके क्या इसको रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है, और साथ ही साथ में जो लोग अपने घरों से निर्वासित हो रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए, उनके भोजन साजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, और सरकार को ऐसे सभी प्रयास इस समय आरम्भ कर देने चाहिए जिससे लोगों को लगे कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमारे मन में भय नहीं है, जो होगा उसका सामना हम लोग मिलकर के करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।